उस स्टेज पे ये कहने के बाद में 2 मिनट बाद हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था, वहीं गेट होता है। तो मैंने कहा अच्छा, अब इसने बोल ही दिया है तो यही निभाते हैं जब तक हैं अंदर, 2-4 हफ्ते अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है, निभाते हैं। और हम और जसवीर हाउस के अंदर चले गए। 1.5 महीना मैं वहाँ रहा, बहुत खूबसूरत 1.5 महीना मैंने गुजारा। इस 1.5 महीने में बहुत से लोगों से जान पहचान हुई, कुछ कॉमनर्स, कुछ सेलिब्रिटीज़। रोज़ हम वहाँ प्राणायाम करते थे, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ अपना योगा, तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे रोज़ सोने को मिलता था रेगुलर, जो मुझे 30 साल से नहीं मिला इस तरह सोना, मेरे कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग की वजह से। तो अगर मुझे वहाँ फिर से भेज दें, क्योंकि मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का है, मुझे अगर वो फिर बुला लें और 4 किलो मैं और कम करके आ जाऊं, तो अगले सेशन का होस्ट मैं होऊंगा, सलमान खान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो अब मैं वापस आया हूं वहां से, तो वापस आकर जो सत्य बात है वो मैंने सबको कह दी। मैं इनसे भी मिला, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग सब चौंक गए कि तय तो ये हुआ था कि गुरु शिष्य की तरह जा रहे हैं, ये क्या हो गया। इनसे भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने भी वही बोला है जो मैंने बोला है, और जो जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो तो आप नहीं, पर सही बात है, यही बात तय हुई थी एक्चुअली, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था। लेकिन अभी मैंने ये उसी फर्स्ट डे देखा था शो के दौरान, जब जसलीन ने आके इनको लव रिलेशन की बात की, तो ये भी थोड़ा चौंक गए थे। इनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा था कि इनको भी कुछ शायद पता नहीं है, लेकिन जब ये अंदर चले गए तो मुझे लगा कि लेट्स सी, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको पता था कि नहीं पता था। लेकिन इनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि शायद इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। अब ये क्या बात हुई है ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा, या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूँ जसलीन को कि ये नहीं क्या जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे। हो सकता मुझे अंदर बुलाएं अभी, हो सकता है, क्यों, बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे तभी मुझे बुलाया था, तभी बुलाते हैं। हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं। तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अभी ये क्या था, या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए मैं पूछूंगा, सब 10 दिन से पूछेंगे। अब जब जसलीन बाहर आएगी तो बाकी कहानी और पता लगेगी। मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो जो था आपको बता दिया, लेकिन अब जो आप लोगों के सवाल हैं वो एक एक करके सवाल करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मुझे आपसे पूछना है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता नहीं था। पता था नहीं, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप इनसे थोड़ा सा नाराज हैं, तो अभी ये नाराज नहीं? नहीं नहीं नहीं, नाराज हूँ ये कि भाई ये मेरे लिए शॉकिंग है इसलिए मैं नाराज हूँ, लेकिन ये पता था, मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं, तो कह रही पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था। हाँ, मुझे पता नहीं, तो पता नहीं था इसलिए आप इनसे थोड़े से नाराज थे, तो अभी नाराजगी खत्म हो गई, अभी खत्म कर दूँ ना, किस बात की नाराजगी, कुछ हर बात स्पष्ट है, सामने है। अब तो मैंने इनसे कहा कि जसलीन की शादी में मुझे बुलाइएगा कन्यादान के लिए, हम दोनों करेंगे साथ। जब कोई, क्योंकि आप 1.5 महीने बिता कर आए बिग बॉस के घर में, आप बाहर आ गए और आप अपने और जसलीन के रिलेशन को भी सबके सामने क्लियर कर रहे हैं, नकार चुके आप 1.5 महीने के अंदर, आपको क्या लगता है कि कौन अब विनर हो सकता है, क्योंकि आप तो बाहर आ गए हैं? रोमिल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि वो एक वकील है और वो अपने टास्क को पढ़ता है बहुत ध्यान से, उसमें वो शब्द वो पढ़ लेता है जो हम देख नहीं पाते, तो उसको विनर होने, मुझे आज मैं उसको विनर देख रहा हूँ। धीरे धीरे कोई और उससे ज़्यादा ऊपर उठ जाए तो बात अलग है। अब वो दीपक जो वहाँ सिंगर है, जो काफ़ी एक्टिव है, वो भी उसके अंडर काम करता है, जो जो रोमिल कहता है अपने इशारे से वही दीपक करता है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि रोमिल विनर है। अब आगे जसलीन भी अगर और बोलेगी और खुल जाएगी तो उसके भी चांस हैं। आपने देखा शो किस तरह गया, तो आपका क्या रिएक्शन है जसलीन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका क्या कमेंट होगा सर और जसलीन? इन्होंने कहा कि
हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है, इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स अ म्यूजिकल रिलेशनशिप, सर सेड. आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से. यही था, यही मैं ऑब्जर्व करता था, क्योंकि जब भी मिले हैं, जब भी जो मैंने देखा है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि ऐसा मैंने कभी कोई देखा ही नहीं. इनको कभी कोई रिलेशनशिप होता है तो पता चलता है, मेरे वाइफ ने या मेरे बेटे ने या मैंने कभी भी ये घर आए तो हमने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं की. ये चीज़ें छुपती थोड़ी हैं, तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया. लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि बाहर आएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी. अभी जसलीन ने ये क्यों कहा वहाँ पर, ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, तो ये वो आए तो मैं उससे पूछूं. अब तो वो ही रह गई है. पहले मैं इनके बारे में कहता था ये आए तो इनसे पूछें, या अपनी बेटी से मैं पूछूंगा. अब वो आएगी तो उससे पूछेंगे, या मैं आज वहाँ जाऊं तो वहाँ जाके पूछ लूँगा, तो पता चल जाएगा उसमें. और फिलहाल मैं डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अच्छा खेल रही है वो. एटलीस्ट जिस काम के लिए वो गई है वो काम तो अभी सही ढंग से करके आए, मैं वो चाहता हूँ. तो अभी खुली है वो, अभी बोलने लगी है. पहले इन्होंने सही कहा था कि इनके अंडर थी तो इनकी गाइडेंस भी चल रही थी, कम बोलती थी. अब उसे खुल के बोलने का उसे मौका मिल गया. और शायद उसकी ये स्ट्रेटजी भी है कि पहले भाई सबको मैं देख लूँ, समझ लूँ ये लोग कैसे हैं, कौन है, क्या है. अब उसकी समझ में आ गया ये गेम क्या है, कौन कितना चिल्ला रहा है, कौन कितना किस तरह गाली गलौज करता है. वो स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएगी. जैसे अगर किसी से झगड़ा भी करेगी तो बहुत नाप तोल के उसके अल्फाज होंगे जो उसे बोलने हैं, इतनी तो उसे नॉलेज है. बाकी देखते हैं अभी क्या करती है. तो अभी क्योंकि वहाँ जो रहता है आदमी उसको ही पता होता है. जैसे क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन होता है वो सबसे दुनिया में अकेला आदमी होता है, वो अपने आप को फील करता है सेंटर में खड़ा हुआ. तो ऐसे ही वहाँ आपने भी देखा होगा, आपको ही पता ही है कि वहाँ अकेला ही होता है आदमी. सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं, अकेला ही होता है. उसे ये पता नहीं होता कि पास वाला क्या अभी करने वाला है, अंदर जाके कन्फेशन रूम में क्या करेगा. अनुप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका इतनी जल्दी बाहर आना, ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने अपना जसलीन के साथ रोमांटिक एंगल कहीं ना कहीं शो में बढ़ाया नहीं है अपनी तरफ से. कभी आपने और जसलीन ने कोई कोशिश नहीं की इसको रोमांटिकली पेश किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल का कॉल वो हो सकता है, क्योंकि आपको उसी तरह जोड़ी पे लेके गए और उन्होंने कई प्रयास भी किए, जैसे आपको डेट पे भेजना, फिर एक टास्क हुआ था जहाँ पे वो आपकी कपड़े वगैरह, हाँ वो, और फिर वो कपड़े वपड़े त्यागने वाला, वो सब वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि उस तरह से ये एंगल दिखे बाहर, जो कि दिखा नहीं. तो ये भी वजह हो सकती है. लगता तो नहीं है ये वजह, क्योंकि मुझे जो निकाला गया है वो इमेज कॉन्शियस की वजह से निकाला गया. मुझे कहा गया कि आप इमेज कॉन्शियस हैं, मैंने कहा बिल्कुल हूँ, क्योंकि मेरी इमेज है. मैं इस तरह गाली गलौज नहीं कर सकता जैसे यहाँ की जाती है, लोग जैसे चिल्लाते हैं वो सब तो मैं नहीं कर सकता. तो मैं अपनी इमेज को बिल्कुल संभाल के रखना चाहता हूँ. तो कहने लगे फिर आपको नॉमिनेट कर देते हैं. मैंने कहा कर दीजिए. और नॉमिनेट करने के बाद फिर मेघा जी ने दूसरे दिन मुझे कहा कि गलती हो गई आपको नॉमिनेट करके, मुझे अभी और लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था. तो वो भी ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन नॉमिनेट तो मैं हो ही चुका था और उसी वजह से उन्होंने फिर मुझे निकाला है. और लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा. अगर मुझे फिर बुला ले तो मैं जाऊंगा और फिर से मजे करूंगा. मतलब चांस है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में शायद कर सकते हैं, उनकी इच्छा होगी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर तक का, तो कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा. ओके सर, एलिमिनेशन के बाद आप घर से बाहर आने के बाद काफी मीडिया को ये चीज के बारे में बता रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिजिकल नहीं था या ऐसे नहीं था, तो आपको लगता है ये विजेंद्र जोड़ी जो टैग लग गया है इसके बाद ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी? अब नहीं होगा, अब लोग भूल जाए. क्या है कि जब लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है, पहले लोगों को जो शक था वो शक मेरी एब्सेंस में था, लेकिन अब मेरी प्रेजेंस में जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा पावरफुल है और ये लोगों के मन में जो गलत धारणा है वो ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि आप लोग इसको उल्टा थोड़ी दिखाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो दिखाएंगे. जब जसलीन ने मुझे कहा तो मैं बहुत चौंका कि ये क्या कह रही है. लेकिन उसके बाद इतना समय नहीं था कि इस पे हम कुछ डिस्कस करते, कुछ करते. सलमान साथ में खड़े हुए और जब अंदर थे 24 घंटे आप लोग साथ रहते हैं, 1.5 महीने तक साथ में रहे, नहीं अंदर अंदर कभी बातचीत अंदर में इस प्रोग्राम को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहता. मेरा प्लान था कि जब उसने मुझे कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, मैंने कहा कि अब इस वक्त मैं इससे झगड़ा करूं, इसको क्या कहूं,
इतना टाइम भी नहीं है, पीछे गेट उन्होंने खोल दिया है कि अंदर जाइए हाउस के। तो मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो चार हफ्ते ही मुझे रहना है, चला लेता हूँ, बाहर आके लोगों को बता दूंगा असलियत क्या है। तो पर आपको जैसे एक मेरे सहयोगी ने कहा कि आपकी जो छवि, जो कई जो दर्शक आपको पूजने मानते हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि इस तरह की जो छवि जाएगी तो उनको ठेस लगे? आप बाद में क्लियर कर देंगे बात अलग है, लेकिन उस समय एक जिम्मेदारी के स्वरूप आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको ये डेट वेट थोड़ा? मुझे मुझे क्या लगा कि मैं शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लोगों के लिए। यहाँ तो मुझे मतलब उन्होंने नेशनल सीन बना दिया, डिबेट डिबेट करा दिए टीवी पे। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इशू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ कि मुझे एक एक जैसे कि कहते हैं नेशनल सीन, कोई नेशनल सब्जेक्ट हो जिस पर डिस्कशन जो चल रहा है, ऐसी कोई नेशनल इशू हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं किसी आदमी को देखूंगा कि कोई आदमी अपने से 35-40 साल पुरानी लड़की से रोमांस कर रहा है या उसके साथ रहना चाहता है, तो मैं उसके में नहीं झांकूंगा। मैं कहूंगा उसका पर्सनल मामला है, उसमें झांकने की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल मामला है। मैं कहता हूं अगर ये है तो भी किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कहीं देखूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने देखा कि इस बारे में लोगों ने बहुत बोला, इंटरनेशनल सीन बन गया है, अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह से मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं जो लोग हर्ट हुए हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण आप लोगों को हर्ट हुआ है, और इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, जब आपको मालूम है बिग बॉस की जैसी छवि है कि मतलब विवादास्पद रहता है, तो आपने ऐसा विचार ही मतलब क्यों रखा कि भाई इसमें जाना चाहिए? मतलब मैं जाना चाहता था, बिग बॉस एक्सपीरियंस करना चाहता था, मैं दो साल पहले जा रहा था। नहीं, वो आपने बताया था। हाँ। लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि ठेस पहुंचती है, आपके कितने चाहने वाले हैं, बिल्कुल आपको मूर्त की तरह मानते हैं, लेकिन उनको जब सच्चाई पता लगेगी तो वो वापस फेथ आ जाएगा उनका, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि ये सच नहीं है, जसलीन के पिताजी भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है ही नहीं, तो सच्चाई नहीं है तो पता लग जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जसलीन का जो कोई फेक था ही सब कुछ, लेकिन अगर जसलीन इसके बाद आकर कहती है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती हैं, तो आपका और आपका क्या रिएक्शन होगा अगर वो सचमुच कहती हैं? मैं तो नहीं रखता जी, अगर वो रखती हैं तो बहुत अच्छा, जरूर। ये तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी, बाकी ये नहीं रखते तो जबरदस्ती थोड़ी है, खत्म हो गया, मैं ही नहीं रखता। कुछ रह गया था लेकिन ली नहीं ना, ली नहीं, डेफिनेटली उसका 7 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन मुझसे इसलिए नहीं ली कि उनको अपनी पढ़ाई में मेरे गानों से बहुत हेल्प मिली, तो उन्होंने नहीं ली। आज भी वो आते हैं, मिलते हैं बहुत प्रेम से, तो गुरु दक्षिणा है उनकी। उससे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह की बातें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसमें जो मेनली जिम्मेदार हैं वो श्री शांत हैं, श्री शांत ने ज़रा डांस वांस करके दिखा दिया था उसका, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसको 9-10 हफ्ते वहाँ रहना है, तो अगर इस तरह की चीज़ डिस्कस होती है तो शर्मनाक है। मैं इसके बिल्कुल इसका पूरा विरोध करता हूँ। सर, जो जैसा हुआ था वैसे ही दिखाया गया या उसमें कुछ चेंजेस किए? 100% करणवीर वाला रॉन्ग है। करणवीर जो ऐसे कर रहा था ना, वो सृष्टि को अंगूठी के लिए बता रहा था, क्योंकि सृष्टि की हम वहाँ सगाई करने की सोच रहे थे। सृष्टि का एक नागदेव उनका बॉयफ्रेंड है, उससे उसकी सगाई हम सोच रहे थे वहीं पर कराएँ, मनीष को बुलवाएं और अंगूठी अंगूठी का प्लान कर रहे थे। तो उस वक्त जो जिक्र चल रहा था वो सृष्टि की अंगूठी के लिए चल रहा था, और केवी ने सृष्टि को ऐसे किया था ये अंगूठी वाला, हम उसको 4-5 दिन से चिढ़ा रहे थे, ये देखो तुम्हारा बहुत टाइम आ रहा है, हम तुम्हारा जल्दी से यहाँ एंगेजमेंट करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से केवी वाला जो मामला है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो आपने क्लिप्स देखे थे वो सही। आपको लगता है
घर पे बदलाव आ गया बिग बॉस से, और कोई एक नई छवि और कुछ एक नई चीज आप मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात आ गई है कि मैं कॉमन मैन को और रिस्पेक्ट देने लगा। जो 14-15 लोगों में आधे लोग कॉमनर्स हैं, उसमें कुछ हैं जो गांव से आए हैं, कुछ हैं किसान हैं, इतनी अच्छी कमाई नहीं है कि अच्छी तरह से घर में पकवान खा सकें, तो उन लोगों के साथ हम रहे, उनके साथ मिलके हमने खाना बनाया, उनके साथ हम एक ही कमरे में सोए, उनके साथ हमने कपड़े धोए, उनके साथ हमने फर्श क्लीन किए हैं, बर्तन मांजे हैं। वो हमारे साथ ऐसे यहाँ रख के सर लेट भी जाते थे, तो उनके साथ वो ऐसा संबंध। तो मैं समझता हूँ कि एक ये चीज़ मेरे अंदर आई, पहले भी थी, मैं कभी किसी का अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन अब मेरे में ज़्यादा आ गई है कि मैं कॉमनर्स की इज्जत पहले से ज़्यादा करता हूँ। वो एक्चुअली मुझसे इतनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मुझे लगा कि उनके अंदर एक समझ है कि किस तरह से मुझे एड्रेस करना है और किस तरह करणवीर को करना है, क्योंकि करणवीर के साथ वो खूब मजाक करते हैं। करणवीर उनसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनसे खूब मजाक करते हैं, उनके कपड़ों पे खेलते हैं, कोई ना कोई टोंट करते हैं, वो उनसे है, लेकिन हमको अलग ढंग से। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है होस्ट में कि अगर 15 कंटेस्टेंट्स बैठे हैं तो हर एक को उनको एड्रेस करना है, हर एक को तरीके से एड्रेस करते हैं। आप जब से अंदर गए थे, उस बाद कई चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में घटनाएं घटी, कई तरह के बदलाव आ गए, कई तरह के महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, शायद आपने पढ़ा होगा। मुझे पता लगा, वो आने के बाद ही पता लगा, और एक चीज़ और पता लगी कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो वो न्यूज़ में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं पता लग रही हैं धीरे धीरे के, कुछ अपेक्ष लगाए जा रहे हैं, कुछ मी टू कुछ चला है वो काफ़ी होने लगा है, कुछ उसमें हमारे कलाकार लोग फंसे भी हैं, तो अब ठीक है, समाज है, तरह तरह की चीज़ें होंगी। कई शॉकिंग नेम्स सामने आए हैं जिनका उम्मीद नहीं की जा रही थी, उस पर आपके शाहरुख नाथ जी का नाम आया, कई और भी आपने सुने होंगे नाम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी पे कुछ कहे तो टोटल एविडेंस के साथ कहे, कुछ उसके पास तस्वीरें हों, कुछ उसके पास वीडियो हों, अगर इस तरह लेके आए और कुछ कहे तो बात में दम होना चाहिए। नाना पाटेकर साहब की चीजें आई, वो भी मैंने सुना है। आपकी थोड़ी विस्तार प्रतिक्रिया दीजिए ना, मैंने सुना है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। किसी ने मुझे कहा कि अनु मलिक जी का नाम आया है, कैलाश खेर जी का नाम आया है, अभिजीत का नाम आया है, तो मुझे एक सुहेल सेठ का नाम आया है, तो इस तरह 7-8 नाम जिन लोगों को मैं जानता हूँ, साजिद खान का नाम है, तो इस तरह जो नाम मुझे बताए गए हैं, लेकिन उनका केस क्या है वो मुझे नहीं बताया गया अभी तक, वो मैं पूछूंगा, धीरे धीरे पता लगेगा। आए हुए मुझे 2 दिन हुए हैं, उस 2 दिन में मैं 200 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मैं इसमें ही पहले सोच रहा हूँ, लगूँ पहले इसको ठीक करूँ, फिर बाकी चीज़ें समझूँ। पर अब आपको लगता है लोग सतर्क हो जाएंगे ज़्यादा, मतलब जिस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी लोगों से बातचीत करने में? ना, हमारी तो नॉर्मल जैसी लाइफ है वैसी रहेगी। जो ये घटनाएं हुई हैं, जो सारे केसेस आए उसके बाद, बिल्कुल सतर्क रहे, हम तो ऐसे रहेंगे जैसे हैं शुरू से, क्योंकि हम तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही सबसे बातचीत करते हैं, ऐसे ही सबके साथ बैठ के खाना पीना करते हैं। माय लाइफ इज सेम। सतर्क तो वो लोग होंगे जो ऐसा काम करते हैं, हम तो नहीं करते। जो करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं उनसे आप खुश हैं? जो चीज लिए जा रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, ये जो सब चीजें हो रही है, सरकार केंद्र सरकार की तरफ से भी चीज बात, वो मुझे पता नहीं क्या बनी है कमेटी, आई डोंट नो अबाउट इट। मतलब द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ऑफ हैज फॉर्मड अ कमेटी टू लुक आफ्टर इनटू दिस मैटर, इवन सेंटर इज लुकिंग आफ्टर। हां ठीक है, होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। कोई भी ऐसे कोई भी किसी के ऊपर इस तरह अगर आरोप लगाता है तो कोई कमेटी होनी चाहिए जो उसको पहले देख ले, तब वो मीडिया में जाए। ठीक है, ओके। अनुज जी, इसके अलावा क्योंकि आप बाहर आ चुके हैं तो ढेर सारे कॉन्सर्ट होते हैं आपके, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपने जो भगवद गीता को मोदी जी शायद लॉन्च करने वाले, हाँ मैंने काफ़ी लोग एक्चुअली जानते हैं, काफ़ी लोग यहाँ, कि मैंने भगवद गीता रिकॉर्ड की है उर्दू में, 1750 उर्दू शेर में
भगवद गीता रिकॉर्ड की है जो अनवर जलालवी जी ने लिखी है, और मोदी जी ने मुझे पत्र लिखा, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की, और अब उन्होंने कंफर्म किया है कि वो किसी लखनऊ की अपनी विजिट में, जो नेक्स्ट विजिट होगी, वो हमारी गाई हुई भगवद गीता को अपने हाथों से रिलीज़ करेंगे। तो उसमें मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ में इसलिए हो रहा है कि अनवर जलालवी साहब भी लखनऊ के हैं जिन्होंने लिखा है, और उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी लखनऊ के हैं, और मैं भी लखनऊ का हूँ, इसलिए लखनऊ में ये काम होगा। ये कोई डेट फिक्स नहीं, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन इसका गायन मैं पाकिस्तान में कर चुका हूँ। 8-9 महीने पहले पाकिस्तान गया था, 50,000 ऑडियंस के सामने मैंने भगवद गीता उर्दू में गाई, उन लोगों ने बहुत पसंद किया। आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपको पूरा वर्ड वर्ड बताता हूँ, वर्ड टू वर्ड। हाँ, तो आपने जहाँ पे बोल दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी थी, हाँ? तो उस पे क्या कहेंगे, आपका भी सर रिएक्शन जानना चाहेंगे कि आपको क्या इस बारे में पता था कि सुखविंदर इस सर से पहले उनका सुखविंदर जी के साथ भी, जैसे हमारी इंटरव्यू में बात हुई थी, आपने कहा था कि नहीं वो सिर्फ कॉन्सर्ट करते हैं मिलकर, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, वही कि वो कंसर्ट ही करते हैं, और वर्ल्ड टूर किया ना दोनों ने साथ में, सुखविंदर के साथ, और अभी भी उन्होंने तो ये बताया कि वो अभी दोस्ती नहीं है उनके साथ, वो तो अभी भी दोस्ती है, अभी भी आते हैं मेरे पास, आते रहते हैं जब भी, या मैं उनके यहाँ जाता हूँ, तो वैसी बात नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि रोमिल जब बाहर आए, ये टास्क के बाद बाहर आए, तो रोमिल ने कहा यार इन्होंने मेरी बात चेंज कर दी, तो रोमिल ने कहा कि मैंने ऐसा कहा था कि मैं एक पब के अंदर गया, वहाँ एक लड़की को देखा, जब मैंने उससे बात की तो लड़का निकली, जबकि इन्होंने बिग बॉस में ये दिखाया था कि रोहिल रोमिल एक लड़की को प्यार करते थे, बाद में वो लड़का निकली। तो जसलीन ने इस बात पे कहा कि देखा इन्होंने मेरी बात भी चेंज कर दी, आप वो क्लिप देखिए, तो जसलीन ने भी कहा, तो जसलीन ने जो कहा वो एग्जैक्टली वो नहीं था, थोड़ा मैंने, अलग मैं, बात है। मैंने ये बात सुनी हुई थी, अफवाह सुनी हुई थी। तो जब वो क्वेश्चन सामने आया और सलमान साहब ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके बारे में, इस अफवाह के बारे में तो मुझे मालूम है। तो फिर थोड़ा उन्होंने मजाक मजाक भी किया था सलमान भाई, वो ठीक है एंटरटेन करने के लिए करते हैं, तो ये हुआ था सच। सर जसलीन आप रहे हैं, और जसलीन भी मतलब शिवाशीष के काफ़ी करीब जैसे रही है, तो अब रोहित के आने पे वो शिवाशीष से दूरियां हो रही है और वो रोहित के करीब आ रही है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, रोहित भी बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अच्छा काम भी करेगा, आर्टिस्ट अच्छा बनेगा, अगर वो दोनों नज़दीक आते हैं, दोनों की दोस्ती बढ़ती है, आगे चल के कोई और फैसला लेते हैं तो हम दोनों कन्यादान करने चले जाएं। तो वहाँ ये चीज़ें बड़ी इंटरटेनिंग। दीपिका के बारे में बताइए सर, दीपिका को सबसे स्ट्रॉन्ग उन दिनों लगता था श्री, क्योंकि शुरू से श्री ने एकदम कंट्रोल किया हुआ था। तो दीपिका ने सोचा इसको कैसे निकाले, उसको जैसे मौका मिला उसने श्री को निकाल दिया, और ये कह के निकाल दिया कि आपको घर की बहुत याद आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप घर जाएं, और वो चले गए। मेरा कहना ये है कि अगर आपके किसी यार दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है और वो कहे कि मुझे भगवान के पास भेज दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप उसको मार देंगे? आप तो ये कहेंगे ना इसका इलाज करा, इसको ठीक करते हैं। देखो उसने श्री शान को सीधा आउट कर दिया, ये चीज़ ठीक नहीं थी, और वो भांडा फूट गया, लोगों को पता लग गया। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि उसके बाद श्री शान ने फिर उससे दोस्ती कर ली, तो वहाँ श्री शान दीपिका हर हफ्ते दोस्ती भी करते हैं और हर हफ्ते दोस्ती तोड़ते भी हैं, तो ऐसी स्ट्रेटजी वहाँ चल रही है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट खेला, आप लोगों में कोई भी ये मुझे बताएं कि आपको अगर मेरे पूरे खेल में कहीं कोई गेम नज़र आ रहा हो, कहीं कोई कैलकुलेटिव चीज़ नज़र आ रही हो, तो मुझे आप बता सकते हैं। आप राहुल द्रविड़ कितने खेले सर? स्ट्रेट सर, फिल्म फेस्टिवल के बारे में। हाँ वो भी बताएँ सर। सुरभि के बारे में कई लोगों की मांग है, ये मतलब दरखास्त है, सुरभि के बारे में कुछ बताएँ। सुरभि ने जिस दिन खून का टीका लगाया उस दिन मैं डर गया, मैं इसलिए डर गया कि उसका बेड जो था वो मेरे बेड के नेक्स्ट था, तो मैंने कहा खून का टीका लगा के जब वो लेटेगी मेरे बगल में, मेरी हालत खराब हो गई।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरा बिस्तर बदल दीजिए, यहाँ दूसरा कर दीजिए और सुरभि को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि खून का टीका लगाने का मतलब है हैराने जंग, अब तलवार निकालनी बाकी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ थोड़े सेंसिटिव लोग भी रहते हैं मेरे जैसे, ये करना अच्छा नहीं है। तो देखिए 16 घंटे की रिकॉर्डिंग में आप लोगों को 45 मिनट दिखाया जाता है, लेकिन मैंने वो 16 घंटे की फिल्म रोज़ देखी है। उस 16 घंटे की फिल्म में किस तरह की गालियाँ, किस तरह की बातें, किस तरह से फिंगरिंग, किस तरह की चीज़ें वहाँ की जाती हैं, उससे मैं वाकिफ हूँ, आप लोग नहीं हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर किसी के अगेंस्ट ये कहा होगा कि इसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उसका कुछ कारण होगा, क्योंकि मैं 16 घंटे की फिल्म देख रहा था, आप लोग सिर्फ 45 मिनट देख रहे थे। क्या जी, अच्छा चलिए, ये इनका फिल्म फेस्टिवल का बोल रहा हूँ। हाँ, इनका देखिए एक एक फिल्म फेस्टिवल हम कर रहे हैं, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। ये क्या डेट्स हैं बता दो? 24-25 नवंबर। 24-25 नवंबर, आप लोगों को भी समय मिले तो इसमें ज़रूर आइएगा। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, जूरी, अब मैं जूरी में हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी लड़की को नाम करना है दुनिया में तो मेरे साथ बिग बॉस में आ जाए अगले सेशन में, उसका बहुत नाम हो जाएगा। दिवाली पे एक बहुत अच्छा शेर सुनाता हूँ जो मैंने जसलीन को सुनाया था कि दिवाली के मौके पे तुम्हें क्या पेश करूं, तुम तो खुद ही एक पटाखा हो। अब मैं आपको दिवाली पे दो लाइन भजन की सुनाता हूं, फिर एक और भजन सुनाता हूं। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। दीपावली हो दीपावली, दीपावली। अब एक भजन सुनिए। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। थैंक यू वेरी मच।